अस्सलामुअलैकुम जनाब, उमैर मलिक आपसे मुखातिब हैं। अच्छा, हमारे जो सेशंस चल रहे हैं उसमें आज हमने डिस्कशन के लिए बुलाया सर काशान इकबाल को, जो कि अल्फा कॉलेज के डायरेक्टर हैं। और आज हम एक होस्ट और गेस्ट वाला अपेयरेंस नहीं होगा, आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कराची बोर्ड और कैम्ब्रिज एजुकेशन के दरमियान। तो मैं कराची बोर्ड की कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा, उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स है, और सर इंशाल्लाह कैम्ब्रिज को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो बुलाते हैं सर को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर, खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम। क्या गुजर रही है भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग आकर? अल्लाह का बहुत करम। मैंने कहा कि क्लासेस के दौरान तो आप हजरात को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती, सुबह कॉलेज और शाम में फिर एकेडमी, तो अभी थोड़ी फुर्सत है तो आपसे कुछ वक्त लिया जाए। और जो क्लासरूम में आप लोग ज़बरदस्त किस्म की पढ़ाई बच्चों को करवाते हैं, तो कुछ हमें भी आपके आइडियाज़ मिलें और कुछ चीज़ें हम लोग भी आप लोगों से सीखें। नहीं भाई, हम लोग तो बस थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, ज्यादा कहाँ पढ़ाते हैं। आप लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, आप लोग के कोर्सेज ज्यादा रिफाइंड है भाई, जहाँ तक मेरा ख्याल है। नहीं, सर ऐसी। अच्छा सर, मैं चाहूँगा सबसे पहले तो थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन करवाएं कि इतनी यंग एज में टीचिंग की तरफ आना, तो आपका आपका अपना बैकग्राउंड स्टडीज़ का क्या रहा है? क्या कैम्ब्रिज से आपकी पढ़ाई है, या ओ लेवल्स ए लेवल्स है, या मेट्रिक सिस्टम है? एंड देन फिर हाउ यू कम इन टू दिस टीचिंग, फिर जो सब्जेक्ट सेलेक्शन हुई, क्योंकि पहले में खाली आप अकाउंट्स भी पढ़ाते थे, लेकिन अब ज़्यादातर फोकस आपका मैथ्स पे गालिबन, तो इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, मैंने खुद ओ लेवल्स किया हुआ है, फिर ए लेवल ओ लेवल्स किया था हबीब पब्लिक स्कूल से, देन ए लेवल्स एबिसिना से, देन मैंने सिर्फ ACCA किया। फिर चूंकि ठीक है शादी हो गई, इसके आगे पढ़ाई नहीं की ना, तो बस ACCA किया हुआ है। सर, ठीक अब है। पढ़ाने का सीन तो ऐसा है कि जब ओ लेवल्स कर रहे थे तो अपनी पढ़ाई फाइनेंस करने के लिए ट्यूशंस पढ़ाना शुरू की। वो सही, पढ़ा पढ़ा के इतना मज़ा आ गया कि एक एडिक्शन सी हो गई। फिर वंस ACCA भी कंप्लीट हुआ तो इसी प्रोफेशन को कंटिन्यू कर लिया। मतलब जब ज्वाइन किया था तो ऐसा कुछ नहीं किया था कि यार ये बड़ा लुक्रेटिव प्रोफेशन है, ऐसा कुछ भी, बस अपनी पढ़ाई को फाइनेंस करने के लिए किया था। जब पढ़ा रहे थे सही तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था, बच्चे फीडबैक बहुत अच्छा दे रहे थे सही, और बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ रहा था, तो फिर इसी को कंटिन्यू कर लिया एज ए प्रोफेशन। ठीक। सो और मतलब इस तरह का सीन जी है। सही। अच्छा, एक एक जो और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे नज़र आई कि आप हजरात ने, यानी ये जो चंद हमारे बड़े टीचर्स हैं ए लेवल्स के, आपने वो जो एक एक सालों से पैटर्न चला आ रहा था कि चंद बड़े स्कूल्स ही हैं और वही ओ लेवल्स या ए लेवल्स को लेकर चल रहे, तो एकदम से हमने देखा कि कराची में बहुत स्पीड से और बड़े अच्छे कॉलेजेस जो आए, तो ये इसके हवाले से बताएं, इसका मुझे ख्याल। आपकी आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है आवाज आपको? एक मिनट अब आपको एक आवाज आ मिनट। रही है सर? अब आपको आवाज आ रही है? हेलो सर। जी सर, एक सेकेंड। हाँ, जी 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 तो जी आपको मेरी आवाज आ रही है? होगी, चले सेट है। मुझे आपकी आवाज़ जी बिल्कुल सर, सेट आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि एक तो चले टीचिंग का फेज आया, नाउ ये कॉलेज का क्या सीन है कि एकदम से जो है ना, अच्छा अल्फा बना और फिर और भी बहुत सारे कॉलेजेस हमने देखा, बड़े यंग लोग जो है ना वो कॉलेजेस की स्ट्रीम में आए, सो ये इसके पीछे क्या राज है, या क्या क्या वजह बनी इस स्टेप को लेने की? देखें, मुझे इस प्रोफेशन में 20 साल हो गए अभी, अगर अभी की बात कर रहा हूँ तो। इतने साल से पढ़ाने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अपने आइडियाज थे, जो सोचा था यार ये सिस्टम नहीं होता, वो होता है। मतलब बेसिकली देखें, जब आप काम कर रहे होते हो और आपके पास आप बहुत सारे टाइम जगह एक जगह काम कर रहे होते हो, तो आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि यार इस जगह पे अगर बच्चों को इस तरह सिखाया जाता या बच्चों को ये सही वाली स्किल्स दी जाती तो ज्यादा बेहतर था। ठीक है, सही और अल्फा बनाने के पीछे मकसद ये था कि अल्फा से हम लोग ऐसे लोगों को बाहर निकालें जो एंटरप्रेन्योर्स हो, जो दूसरों के लिए रोजगार पैदा करें। ठीक है जब भी अल्फा नाम रखा है, अल्फा का मतलब ही लीडर्स होता है। ठीक है, ठीक तो है हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये था अल्फा को बनाने से पहले कि यार एक तो बच्चों को मयारी तालीम दी जाए। ठीक है, जब माँ बाप को ऐसा होता है कि सुबह के बाद हमें कोचिंग सेंटर जाना पड़ता है तो वो ना जाना पड़े, और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स दी जाए। अब द थिंग इज के जब हमने पहला कैंपस स्टार्ट किया था अल्फा का, वो 1000 गज में स्टार्ट किया था, और सही यकीन माने हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते यार 100 बच्चे आ जाएंगे,
क्योंकि हमें 100 बच्चों को भी यकीन नहीं था, ठीक ठीक है। है और हुआ ऐसा कि पहले ही साल में हमें वो कैंपस इतना छोटा पड़ गया कि हमें वो कैंपस चेंज करने पड़े, और सही। हमने स्टार्ट किया था 1,000 गज से पहले साल में, और अभी विद इन 3 ईयर्स हमारे पास अल्फा और एस्टर के नाम से हमारे पास 10,000 गज की जगह है। अलहमदुल्ला सही वी हैव लाइक 5 कैंपसेस। सो सही दैट्स हाउ इट इज, मतलब कुछ सोचा नहीं था, बस इसी तरह सिलसिला बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर अलहमदुल्ला। अच्छा हम लोग हमारे यहाँ दो स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते हैं। एक वो है जो इंटरमीडिएट या कराची बोर्ड को डिफेंड करता है कॉस्ट के हवाले से और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, और एक है जो कैम्ब्रिज साइट को जो है ना वो डिफेंड करता है। अच्छा मैं चाहूँगा इसकी वॉर से, हम अभी वॉर पे बात नहीं कर रहे कि क्या सही है क्या गलत है, बट लामहाला हमें ये चीज़ देखने में आती है। जैसे मेरा अपना इंटरमीडिएट का 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है, तो हमारे यहाँ अभी भी वो रट्टा पैटर्न है। हमारे यहाँ बच्चा यानी इंटरमीडिएट का बच्चा अगर 85 और 86% भी लेकर निकलता है तो सही है, उसके रट्टे अच्छे हैं, उसने पेपर्स अच्छे दिए, लेकिन समहाउ वो स्किल्स में यानी उसकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है और सारी चीज़ें नहीं है, और इवन जो पढ़ाई भी वो कर रहा है वो एक सर्टेन पैटर्न को लेकर चल रहा है। लेकिन कैम्ब्रिज में बहरहाल इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें बेहतर होती है, तो मैं चाहूँगा उसके हवाले से थोड़ी सी बात करें। यानी आपने भी लोगों को देखा होगा ना कि एक बच्चा जो कैम्ब्रिज से निकला है और एक बच्चा जो इंटरमीडिएट से आया है या कराची जी बोर्ड जी से आया, तो देर इज़ अ डिफरेंस। सो ये जी सर क्या एड ऑन चीज़ें हैं जो कि जो बच्चों को बच्चों में नज़र आती है? अच्छा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा है कि मैंने देखा कि बाज़ूकात ओ लेवल्स कॉमर्स का बच्चा भी होता है, यानी अब वो देखने में तो 10th या 11th ग्रेड का बच्चा है, लेकिन वो निकल के कुछ ना कुछ काम भी कर सकता है। उसने उसने बहुत सी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली पढ़ी होती हैं, एज कम्पेयर टू हमारे यहाँ लोग मास्टर्स भी करके निकल जाते हैं और वो रट्टे के ऊपर बेस्ड कर रहा होता है। तो व्हाट्स द डिफरेंस? देखिए, मैंने ना एक दो अपने दोस्तों को मैट्रिक मतलब बीकॉम या इंटर की अकाउंट्स वगैरह पढ़ाई थी ना, तो जो चीज़ मैंने रियलाइज की थी ना, जो फर्क है, फर्क ये कि देखिए मेरे हिसाब से इंटर के अकाउंटिंग का कोर्स जो है, अगर अकाउंटिंग की बात करता हूँ क्योंकि मैं अकाउंट्स और मैथ्स पढ़ाता हूँ, वो नस्बतन बेहतर कोर्स है, ठीक है। उनमें ठीक है अकाउंटिंग में ज्यादा चीजें हैं सही और टीचर ज्यादा पढ़ाते हैं। प्रॉब्लम टेस्टिंग का है, टेस्टिंग का सही ये है कि उनका पेपर इतना ज्यादा स्पेसिफाइड होता है, एक 5 ईयर्स के ऊपर इतना रिलाई कर रहा होता है कि बच्चे को पता होता है कि पेपर में ही आएगा, तो सही बच्चों की जो पढ़ाई है वो पेपर बेस्ड ज्यादा हो जाती है। सही सही है, मतलब वहां पे इतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, और अगर सही हम वही बात ओ लेवल्स में करते हैं तो यहाँ पर पेपर जो है उसकी उसमें वेराइटी बहुत ज्यादा है। सही आपको 20 20 साल में कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं मिलता, और वो हर साल कोई ना कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि बच्चे को लगता है कि मेरे साथ कुछ हुआ है आज पेपर में। मतलब एक मेरे ख्याल से टेस्टिंग का थोड़ा सा फर्क है, वरना तो इंटर और उसमें पढ़ाने में टीचर्स ज्यादा काबिल मेरे हिसाब से इंटर की तरफ होंगे, वो ज्यादा सही डिवोटेड है, इसमें मेरा जी अपना जो पर्सनल एक ओपिनियन है। मतलब कि बेसिकली अगर टेस्टिंग में थोड़ा फर्क आ जाए तो सही बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा सही। अच्छा मुझे एक चीज़ और भी पूछनी थी कि यूजुअल जैसे आपने ये बात कही कि हमारे यहाँ इंटरमीडिएट में एक एक सर्टेन पैटर्न है, वही बच्चे जो है ना वो फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा वन मोर थिंग कि एक बच्चा जो कि यानी अब मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि अगर हम पैसों की बात करें यानी वालदेन की अफोर्डेबिलिटी की बात करें, तो शायद कराची में हर पेरेंट ऐसा नहीं है जो कि कैम्ब्रिज को अफोर्ड कर सकते, इवन वो प्राइवेट भी शायद अफोर्ड ना कर सके, और उसके बनिस्बत अब इंटरमीडिएट उन्हें करवाना है। तो क्या आप कहेंगे कि सही है बोर्ड तो एक सर्टेन पैटर्न ले रहा है ना, हमें तो वो उसी पैटर्न बोर्ड के लिए तो वो पैटर्न की तैयारी करनी है, बट बच्चा क्या एड ऑन चीज़ें कर सकता है ताकि वो चले पूरा ना सही लेकिन कुछ तो उसकी स्किल बेटर होना एज कम्पेयर टू कि वो सिर्फ वहीं से रट यानी जो भी है वहाँ तो उसी टेस्टिंग सिस्टम से गुजरे, तो वो कैसे बेहतर कर सकता है अगर वो कैम्ब्रिज नहीं कर रहा या ओ लेवल्स नहीं कर रहा? देखिए, मेरे ख्याल से इस वक्त तो देखिए बेसिक एकेडमिक्स जो होता है, चाहे आप ए लेवल्स कर लो या चाहे आप इंटर कर लो, जी वो जरूरी जी होता है, वो बेसिक आपकी फाउंडेशन है। लेकिन आजकल मेरे हिसाब से जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज गूगल और यूट्यूब ठीक है, है उस पर आप कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से इंसान को कोई ना कोई स्किल साथ साथ सीखनी चाहिए, कहीं नहीं जा सकता, यूट्यूब पे सीख ले यार। सही है, आप और मैं आजकल क्वारंटाइन में हमने खाना बनाना भी सीख लिया यार यूट्यूब पे, कभी अंडा नहीं तोड़ा था मैंने। तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आपके पास इस वक्त तो इतनी आसान है चीजें, मतलब आपके और मेरे जमाने में जब हम खुद स्टूडेंट्स थे तो हमें कोई चीज मिलती बहुत मुश्किल से मिलती थी, लेकिन आजकल के बच्चे के पास तो कुछ भी सीखना, चाहे वो अच्छा सीखना चाहे या बुरा सीखना चाहे,
वो हर स्किल यूट्यूब पे सीख सकता है। तो सही मेरे ख्याल से तो इंसान को कुछ ना कुछ ऐसी चीजें साथ सीखनी चाहिए जो उसको लाइफ लॉन्ग काम है, और सही दैट्स हाउ इट इज। मतलब बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स बहुत जरूरी है, आपकी ठीक पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी है, या आपको कोई साथ साथ ऐसी चीजें आनी चाहिए जो आपको आगे काम है। जैसे आपको मेरे ख्याल से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत काम हो रहा है, तो डिजिटल डिजिटल आपकी प्रेजेंस बहुत होनी चाहिए। तो ये सब सही चीजें आपको ज्यादा साथ सीखनी चाहिए। इसके लिए आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद यूट्यूब पे चीजें सीखो, सर्च करो, तब मुश्किल तो नहीं होगा इस वक्त। सही ठीक है। ये अच्छा, जो जो मुझे एज अ टीचर एक इशू आता है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपका एक्सपीरियंस भी माशाल्लाह बहुत है, तो आप मुझे उसमें थोड़ा सा गाइड करें कि इंटरमीडिएट में जब कभी हम इसकी बात करते हैं कि यार चलो तुम ये भी सीखो वो भी सीखो, तो हमारा बच्चा तो एंड में घूम के बोलता है भाई इम्तिहान सर पेपर में जो आएगा ना वो बताएं, तो वो फिर हम बाउंड होते हैं कि यार इनको पेपर की भी तैयारी करवानी है। तो ये बच्चों में कैसे मोटिवेशन पैदा करें कि यार सही है पेपर अपनी जगह। अच्छा चूंकि मेरे ख्याल ये सेम प्रॉब्लम आप लोगों को भी फेस होता होगा, बिकॉज जो बच्चा बोर्ड एग्जाम में अपेयर हो रहा है वो ये कह सकता है कि भाई मैं को करिकुलर एक्टिविटीज में नहीं ले रहा पार्ट, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीख रहा, मुझे जस्ट पेपर देना है, मैं पेपर की अच्छी तैयारी कर लूँ। सो हाउ टू कन्विंस स्टूडेंट के यार सही है इसका तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से ताल्लुक नहीं है लेकिन इसका तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारी पर्सनल लाइफ से बहुत गहरा ताल्लुक, और आप लोग कॉलेज में कैसे फिर बच्चों को इसमें लेकर चलते हैं, ये सवाल था। देखिए, मेरी अपनी जितनी भी क्लासेस होती है, मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ तो उस क्लास में कम से कम 10 से 12 मिनट, मतलब क्लास का 10-15% तो ऐसा टाइम होता ही है जो इस पे बात मैं करता ही हूँ कि आपको आगे लाइफ को लेके क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, और उन लोगों के कैरियर के ऊपर बात कर रहा होता हूँ। ये मेरे लिए एक नॉर्मल सी चीज़ है ये बात करना, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम जो मुझे नजर आता है कि हमारे यहाँ पर लोग रोबोट्स पैदा कर रहे हैं। ठीक सही है, होना क्या है कि कॉमर्स का बच्चा उसने आईबीए जाना है, ठीक है, ठीक या उसने एसीसीए करना है, और लोग सही फील्ड्स नहीं देख रहे। मैं ऐसा जानता हूँ यार, मेरे कुछ स्टूडेंट्स से उनके अब्बा की अपनी टेक्सटाइल फैक्ट्री है, ठीक है, और उन्होंने कहाँ जाना है, आईबीए जाना है। मैं कहा सही क्यों आईबीए जा रहे हो, अगर तुम्हारे अब्बा की टेक्सटाइल फैक्ट्री तो कपड़े को सीखो, टिप्स जाओ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो मेरी अपनी कोशिश यही होती है लोग अपनी रिलेटेड स्किल्स में जाएं, या मैं तो कुछ लोगों को ऐसे भी बोलता हूँ कि या तुम सही वंस यू आर डन विद योर ए लेवल्स, तुम पढ़ाई के साथ साथ अपने अब्बा के काम सर भी आप करें। मुझे जी सही है, ये बात अजीब सी बात है, टीचर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि देखो सही आप अपनी एसीसी के साथ कर लो, या उसके साथ अगर तुम अपने काम पे अभी चले जाओगे तो उससे ये फायदा होगा कि तुम अपने काम में एक जीरो बढ़ा सकते हो, कि अगर आपके अब्बा के काम का भी रेवेन्यू 10 मिलियन है तो वो 1 बिलियन सही पे आ जाएगा या 100 मिलियन पे आ जाएगा। लेकिन आपको जरूर शुरू से जॉब नहीं करनी सही चाहिए, आप दूसरों के लिए रोजगार पैदा करो। तो मेरे ख्याल से हम लोग की बात में अल्लाह ताला ने शिफा दी है। सही है, तो हम लोग जो बात करते हैं वो बच्चों को जाती ही है, मतलब आहिस्ता 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 कुछ दो तो सीख ही जाते हैं यार, ऐसा है। सही ठीक ऐसा है। अच्छा ये बात आपने बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त कही, क्योंकि आपने भी जैसे बताया कि आप पढ़ाई के दौरान ही आपने पढ़ाना शुरू कर दिया था कि एंड दैट बिकम्स योर प्रोफेशन। सो ये पाकिस्तान में, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक इत्तेफाक से कॉमर्स सब्जेक्ट्स के साथ ही रहा है, सो मैंने जो एक बात नोट की कि पाकिस्तान में ये वाला माइंडसेट बहुत बुरा पैदा हो गया बच्चों में कि यार मास्टर्स करना है उसके बाद कोई इंटर्नशिप करनी है और उसके बाद कहीं जाकर, यानी वो 25 साल की उम्र में ही सोच रहा है कैरियर को स्टार्ट करने का। हालांकि मेरे ख्याल में ना इस्लाम ऐसा कहता है, इस्लाम में तो 18 ईयर्स भी नहीं है, वहाँ तो बस जो बालिग हो गया तो ही इज़ नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फराइज एंड ऑल, ही इज़ नाउ अ मैन, ही इज़ नॉट अ बेबी। सही तो है, ये जो एज है यानी 17-18 साल, अच्छा इस एज में ही बच्चा मेरे ख्याल पे दूसरी तरफ भी ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि एक सर्टेन एज आ चुकी है, अब अगर वो पढ़ाई का उसके ऊपर लोड नहीं है कोर्स का और कोई काम भी नहीं करना, तो अब ये जो 18 से 25 वाली जो एज है इस एज में मेरे ख्याल वो फिर दूसरी एक्टिविटीज की तरफ भी ज्यादा चला जाता है अगर उसे कोई राइट वे ना मिले। क्या राय है सर आपके साथ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए हम लोग वैसे तो हर चीज में वेस्ट को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अमेरिका में देखें कि वंस एक बच्चा हाई स्कूल कर लेता है तो उसके बाद वो 1 साल या 2 साल गैप ईयर लेता है और उसमें वो जॉब कर रहा होता है, और वो जॉब करके उस पैसों से यूनिवर्सिटी में जाता ठीक है, है ठीक है। तो द थिंग इज, जब भी आप देखें कि सही अमेरिका में आपको सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स मिलते हैं, सही है, वहां से लोग सही वन शॉट बिलियनर बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि वहां लोगों ने पहले एक्सपीरियंस करके यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और एक्सपीरियंस करके उनको अंदाजा हो जाता है कि उनको आगे किस प्रोफेशन में जाना है, ठीक है, या उनको प्रोफेशन में जाना भी है कि नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी सही जो है वो एडवांसमेंट ऑफ कोई एजुकेशन है, आप ऐसे ही ठीक। कोई यूनिवर्सिटी चले वो कोई अच्छा फायदा सर नहीं है। जी जी जी
सही। अच्छा सर, एक एक चीज इसमें और थी कि अगेन माय क्वेश्चन इज हाउ वी कैन कन्विंस अ स्टूडेंट ना, जैसे कि एक बच्चा है एक यानी अर्ली एज में काम करने के लिए काम स्टार्ट करने के लिए एक बच्चा तो वो है जो फाइनेंशियल क्राइसिस में, जिसकी फैमिली या उसे पता है कि यार मुझे कुछ करना है, उससे उसे तो कन्विंस करना आसान होता है, या हम ना भी करें कन्विंस तो ही इज ऑलरेडी, उसे मेरे ख्याल सिर्फ एक पाथ दिखाना होता है कि तुमने जाना कैसे, वो जाने के लिए रेडी होता है। बट व्हाट अबाउट द पर्सन और अ स्टूडेंट जो कि एक वेल ऑफ, उसे कोई ऐसी ऐसे नीड भी नहीं है, अब उसे कैसे कन्विंस किया किया जाए कि भाई ठीक है लेकिन तुम अपने आप को स्पॉइल तो ना करो ना, स्पॉइल तो ना करो ना, तुम बैठ के व्हाई डोंट यू ट्राई समथिंग, अब भले तुम्हें फाइनेंशियली उसकी नीड नहीं है बल्कि तुम करके किसी की मदद के लिए क्यों ना कर लो ऐसा काम, तो ऐसे बच्चों को कैसे टैकल करें सर? देखिए, मेरे अतराफ में तो ज्यादा मुझे मेमन और दिल्ली वाले बच्चे मिलते हैं, ठीक है। सही, और वो जो ज्यादा ठीक है फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं वही ज्यादा काम कर रहे जी होते हैं, जी सही है। बस तो मैं तो एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि कोशिश ठीक करना है कि जब थोड़े सही बड़े हो जाओ तो तुम्हारे अब्बा के नाम से तुम्हें ना पहचाने, तुम्हारे अब्बा को तुम्हारे नाम से पहचान रहे हो तो बात है। मतलब मैंने कहा सही बाप कमाई पे चलना कोई ठीक बात नहीं है, आप कमाई पे चलो और मेहनत करो। मतलब बेसिकली वही है कि क्योंकि मैंने खुद से क्लास 6 7 की उम्र से काम कर रहा हूँ ना, तो बच्चों को अपना एग्जाम्पल देकर सही या और लोगों का एग्जाम्पल देकर उनको मशवरा देना, और कुछ इसमें से काफी बच्चे होते हैं जो काम पे लग जाते हैं, कुछ नहीं तो कोई बच्चे को कोई मसला हो सही मैं ट्यूशन ही दिला देता हूँ कि भाई तू स्टार्ट कर, वंस उसको पैसे कमाने का शौक हो सही जाएगा खुद आगे निकलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप बड़े वैसे आप बहुत प्रिसाइज जवाब दे रहे हैं इसलिए मुझे बहुत सारे सवाल आपके सामने रखने पड़ रहे हैं। अच्छा सर, वन मोर थिंग इज के अब आते हैं सर हम आज का जो टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन कैम्ब्रिज एंड कराची बोर्ड, तो मैं कुछ कराची बोर्ड के की चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ एंड देन आई विल आस्क के हाउ कैम्ब्रिज में ये चीज़ें कैसे डिफरेंट, जैसे हमारे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं उसकी बच्चों की पढ़ाई की, मैं इंटरमीडिएट की बात करता हूँ और कॉमर्स की बात करता हूँ, तो यूजुअली हम जो जो टॉपिक्स पढ़ा रहे थे, एक तो पहली बात तो यही सही है कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ 25 ईयर्स पास्ट पेपर्स, और जो पेपर मैंने इस साल देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मेरे पेपर में आना है, तो अगर मैं 25 साल पहले का पेपर भी देखूंगा तो पैटर्न से वही चंद एंट्रीज हैं, वही चंद चीज़ें हैं और उसी को मैंने फॉलो करते हुए जाना है। ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या होता है कि वो बच्चा जो जो उस मेमोराइजेशन को पक्का कर ले या उन कौन यानी वो कॉन्सेप्चुअली उसे शायद इतनी चीज़ों का अंदाजा ना हो, वो मेमोराइजेशन पक्की कर ले, चाहे वो अब सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज हो, हमारे यहाँ उसको प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स कहते हैं फर्स्ट ईयर में, तो पीओसी हो या इकोनॉमिक्स हो या अकाउंटिंग हो, तो वो उसी पैटर्न को जो पक्का करके जा रहा है वो बच्चा आगे जा रहा है। अच्छा, हो सकता है उसकी बनिस्बत दूसरा बच्चा कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा हो लेकिन उसकी हो सकता है राइटिंग खराब हो या उसकी मेमोराइजेशन का इशू है, तो ये मुझे बताइएगा हाउ कैम्ब्रिज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, क्या वहाँ पर भी राइटिंग चेक होती है, प्रेजेंटेशन चेक होती है, या वहाँ भी मेमोराइजेशन है, या वहाँ पे टोटली कॉन्सेप्चुअल है और सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड ही चीज़ें चल रही होती हैं, ये मैं एक सवाल हूँ देखिए, जी एक सर। तो चीज़ है, अगर हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हमारे पास तो दो पेपर होते हैं, एक होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और दूसरा होता है आपका एक सब्जेक्टिव पेपर होता है, लाइक सही है। अब द थिंग इज यही हमारा इकोनॉमिक्स में भी होता है, तो द सही थिंग इज के क्योंकि मल्टीपल्स ठीक होते हैं है और मल्टीपल्स की ये बात है कि अगर मैं अकाउंटिंग की बात करता हूँ तो आपके पास मल्टीपल रिपीटेड कम आते हैं, सिमिलर हो सकते हैं लेकिन रिपीटेशन नहीं होती। मतलब अगर आप सही और आपके पास हर दफा कुछ ना कुछ नए मल्टीपल आ रहे होते हैं तो उसके लिए बच्चा कोई मेमोराइजेशन तो नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरी सही बात यह है कि हमारी अगर अकाउंटिंग का पेपर है तो बच्चे की स्पेलिंग पे मार्क्स नहीं करते, ठीक है। अगर सेंटेंस मतलब बेसिकली अगले को समझ आ जाना चाहिए आप इस तरह लिख दो, ठीक है, स्पेलिंग के ज्यादा ग्रामर के मार्क्स आई नहीं सही अकाउंट्स में, ठीक है। आप बुलेट्स में लिख के आओ तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं, कोई सब्जेक्ट वगैरह का नहीं है कि आपको आंसर देना, आप एक बुलेट बुलेट में सिंपल लाइनर्स में भी लिखो तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, अगर थ्योरी की बात करता हूँ, ठीक है। अब पॉइंट सिर्फ इतना सा है ना कि पॉइंट टेस्टिंग का फर्क है मेरे ख्याल से, कि यहाँ पर पेपर में सही कुछ भी आ सकता है उठा के, सही है। और एग्जामिनर की कोशिश ही सही होती ठीक है कि थोड़ा अलग तरीके से सवाल पूछे। तो अगर हम लोग एक पैटर्न फॉलो करके पढ़ रहे होंगे जिस तरह मैट्रिक इंटर में होता है तो यहाँ पर वो चीज चल नहीं सकती है। तो टीचर के ऊपर भी, अब टीचर की भी आदत है कि भाई मैंने अगर उसको रट्टे वाली चीज से सीधे तरीके से सही पढ़ा दिया। अब एक सीधे से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारी अकाउंटिंग में लास्ट क्वेश्चन जो है वो 40 मार्क्स का होता था, ठीक है, आउट ऑफ 120। अब बच्चे क्या करते थे, वो पक्का करके चले जाते थे फाइनल अकाउंट्स कि
कि यार या तो वो पार्टनरशिप का आएगा, या तो वो शोल्डर ट्रिप सही, आएगा, सही है, ठीक है, या वो मैन्युफैक्चरिंग पे आएगा। तो अब एग्जामिनर ने कहा यार इस तरह से ये हो गया कि बच्चा आखिरी क्वेश्चन पक्का करके जाता है, पास हो जाता है। उसने फिर पैटर्न चेंज कर दिया, सब क्वेश्चन को सेम मार्क्स का कर दिया दोबारा से, सही। अब ये पैटर्न सही, बहुत सालों बाद चेंज किया कि उसने कहा कोई भी तरीके से मैं ऐसा ना करूं कि बच्चा कोई एक चीज करके पास हो जाए, उसको सही, मल्टीपल चीजें सीखनी चाहिए अगर अकाउंटिंग है, ताकि वो आगे निकल सके। तो इनके यहाँ यही कोशिश होती है कि बच्चा कहीं भी तरीके से एक पैटर्न के हिसाब से काम ना करे, एक गति की तरह ना चल सके। तो ये इसके अगेंस्ट बार बार काम कर रहे होते हैं, बार बार रिसर्च कर रहे होते हैं, और अगर उनको लगता है कि उनका सिस्टम में अब भी जाकर बच्चे ने इससे भी कोई जुगाड़ निकाल लिया, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर बहुत स्मार्ट है, हर चीज से जुगाड़ बना लेते हैं, तो वो सही जुगाड़ को भी सही, ठीक काउंटर कर लेते हैं। बड़े स्मार्ट है ये लोग इस मामले में, क्योंकि हम लोग की आदत है शॉर्टकट मारने की ना, और वो शॉर्टकट का ओवरकम सही निकाल ही लेते हैं, फिर बोलते हैं कैसा दिया, ऐसा सीन है ना। ठीक है, सही सर। अच्छा, अब मेरा सवाल एक थोड़ा सा ये है कि आपको फ्यूचर क्या नजर आता है, कि क्योंकि एक एक पैटर्न हमने देखा, अगर हम पाकिस्तान की 2000 से बिफोर की एजुकेशन को देखें एंड आफ्टर 2000, तो एकदम से बूम आया कैम्ब्रिज का। पहले बहुत इक्का दुक्का कैम्ब्रिज स्कूल्स होते थे, अब बहुत स्पीड से आए, और पहले चंद पोश इलाकों में ही कैम्ब्रिज स्कूल्स होते थे, अब बहुत ज़्यादा स्कूल्स आए। तो आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर क्या हमारा मैट्रिक सिस्टम और डिक्रीज होता चला जाएगा और कैम्ब्रिज बढ़ेगा, या देर विल बी समथिंग न्यू, या देखिए गवर्नमेंट के हवाले से आपने क्या? जी सर, देखिए मेरे को जो फ्यूचर नजर आ रहा है वो बहुत बुरा नजर आ रहा है। हो क्या रहा है कि ज्यादा बच्चा ओ लेवल की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और वो बच्चा जो सही, अफोर्ड कर सकता है उसमें ज्यादातर बच्चा ओ लेवल की तरफ जा रहा है, और एक सिंपल डिफरेंस आता जा रहा है कि मेरे पास जो बंदा काम करता है, मेरा जी चौकीदार है, उसका बेटा मैट्रिक ही कर सकता है, वो कभी ओ लेवल नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ तो दो क्लासेस बनती जा रही है और उनमें गैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो सही, फ्यूचर क्या नजर आ रहा है हम बात नहीं करते, हमें फ्यूचर में क्या होना चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से सही, पूरे पाकिस्तान में यूनिफाइड सिस्टम होना चाहिए, सही है, और जो ये हमारा ब्रिटिश ओ लेवल्स है इसको सही, खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर मेरी मेरा अपना दिल तो ये कहता सही, है कि ये ओ लेवल्स खत्म हो और हम लोग कुछ लोग मिलकर, कुछ इदारे मिलकर इस पे काम करें और एक ऐसा ओ लेवल्स पाकिस्तान में लेकर आ जाए जो मिडिल क्लास अफोर्ड कर सके, सही है। अब जैसे अगर वहां की पर पेपर फीस 10-12 हज़ार रुपए, तो ये 2-2.5 हज़ार रुपए के ऊपर आ जाए, ठीक है। और इसमें एक पूरे पाकिस्तान का सिस्टम हो, सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, ये सब खत्म हो जाना चाहिए। एक सिंगल सिस्टम के ऊपर हम काम करें, ताकि हर बंदे को एक इक्वल हम चीज सिखा रहे हो, कम से कम बेसिक एजुकेशन ओ लेवल्स तक या ए लेवल्स तक या मैट्रिक इंटर तक यूनिफाइड होनी चाहिए पाकिस्तान, और उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। आखान बोर्ड एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव आया है, लेकिन सही, कुछ ऐसी चीजें ठीक हैं है सर। जिसके हिसाब से अच्छा मुझे लगता है कि जी जी कॉन्सेप्ट लाना जी चाहिए जी सिस्टम। आप ठीक, जी जी मैं क्या मतलब भाई यही कह रहा हूँ कि एक ऐसा सिस्टम आ सही, जाना चाहिए अच्छा सर, जो सबके इसमें लिए इसमें सिमिलर थोड़ा हो। जी जी जो सबके लिए जी सिमिलर। बोले। अच्छा, इसमें जो आपने बात की, तो मेरे भी कुछ एक्सपीरियंसेस रहे। वाकई में ये देर इज अ बिग डिफरेंस, यानी वो क्लास ही अलग नजर आ रही है हमें ना लोगों की। यहाँ पे मैट्रिक से, यानी मैट्रिक से किया हुआ कोई मास्टर्स भी कर ले तो वो अच्छा, ना सिर्फ ये कि लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे दूसरी साइड पे, बल्कि अगर एक्सेप्ट कर भी ले तो वो वहाँ पे जाने के बाद भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ अपब्रिंगिंग और ये सब चीज़ें। अच्छा, वन मोर थिंग, कि ये तो बात हो गई कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि एक 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 सिमिलर पैटर्न हो सब चीज़ों का और ये चले। वन माई क्वेश्चन इज कि अगर हम बात करते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल अपने हाथ में लेने की, यानी सही है गवर्नमेंट तो जब करेगी सो करेगी, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। माई क्वेश्चन इज के व्हाट वी कैन डू एज अ टीचर, एज अ पर्सन। से मैं इंटरमीडिएट की साइड पर हूँ, आप कैम्ब्रिज की साइड पर हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे इंटरमीडिएट का बच्चा भी थोड़ा सा ग्रो करे, लेकिन आई नो कि मैं उसे डायरेक्ट कैम्ब्रिज की तरफ नहीं भेज सकता बिकॉज ऑफ हिज परचेजिंग पावर और उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से। सो हाउ इज देयर एनी वे आउट के हम उस बच्चे को थोड़ा सा तो एक्सपोजर दें। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें एक एग्जाम्पल लगता हूँ। जैसे अपना आई बी एज अ बिग नेम, ठीक है ना, लेकिन आई बी ए का एक एक डिपार्टमेंट है CED, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। तो वहाँ पर देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, आप मैट्रिक पास भी हैं, आप जा सकते हैं, और वो अफोर्डेबल भी है, ठीक है ना। और वहाँ से जाके आप 6 महीने का कोर्स कर लें, आपको आई बी ए के टीचर्स आई बी ए के एनवायरमेंट में पढ़ाएंगे। हाँ, आपको MBA नहीं मिलेगा, बट यू विल हैव अ 6 मंथ्स कोर्स, लेकिन ये कंफर्म है कि आपको आईबीए की फैकल्टी ने पढ़ाया, और
वही कोर्स पढ़ाए, बल्कि जो कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है वो एमबीए में भी एक कोर्स है, यानी जो उनका एमबीए का इफेक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स है वो पूरा कोर्स वो 6 महीने के कोर्स में हमें करवा देते हैं। अच्छा, उससे मैंने देखा, जो एक्सपीरियंस हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो 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 कि जिन्होंने कभी आईबीए का मतलब जो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, एंड दे बीन देयर एंड दे हैव डन दैट कोर्स, मैंने किया वो कोर्स, मैंने अपने रिलेटिव्स में बहुत सारे लोगों को करवाया, यानी उनका एक मदर्स का आया था तो उसमें मैंने अपनी एक रिलेटिव को भेजा जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया। सो अ वुमेन जिसने मैट्रिक भी नहीं किया वो आईबीए से एक 3 दिन की सर्टिफिकेशन लेकर आ रही है और आईबीए की फैकल्टी से पढ़कर आ रही है। तो अच्छा, अब उससे जो हुआ ना, और वो इतनी अफोर्डेबल भी थी, महंगी भी नहीं थी वो, लेकिन उससे जो होता है बस एक टच लग गया ना उनको कि यार आईबीए का वो, उनको कोई जॉब वगैरह तो नहीं, लेकिन वो इस एनवायरनमेंट से होकर आए। ऐसे भी वो कभी बच्चों का करवा लेते तो हमने अपने मैट्रिक सिस्टम से कुछ बच्चों को भेजा। सो इज देयर एनी वे आउट इन बच्चों को थोड़ा सा कोई टेस्ट दे सके जब तक के गवर्नमेंट लेवल पे चीजें सेटल डाउन हो रही हैं, गवर्नमेंट जो भी प्लान आउट कर रही है, तो इज देयर एनी वे या कोई कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट इसकी तरफ काम कर रहा है, आपकी नॉलेज में है कोई ऐसा, या इन फ्यूचर कोई कर सकता है कि ज्यादा नहीं एक हफ्ते की ट्रेनिंग हो, एक हफ्ते का कोई कोर्स हो कि वो इन बच्चों को एटलीस्ट उस सिस्टम से सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। देखिए होता यही है कि हम लोग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर तो काम कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि देखिए अब द थिंग इज कि देखिए कोई भी काम करने के लिए मेरा ख्याल है कि आपके पास अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है, सही है। हमने एक इदारा भी खोला तो उस इदारा खोलने की बहुत बड़ी वजह थी कि हमें पता था कि हम बहुत सारे काम एज ए टीचर वहां पे नहीं कर पाते थे, ठीक है। अब द थिंग इज कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपने स्कूल का, कि हम अपने स्कूल में बच्चों को कुकिंग सिखाते हैं, आगे हम अपने बच्चों को कार्पेंट्री सिखाने की सोच रहे हैं, रोबोटिक्स सिखा रहे हैं, ये सब मैं एज ए टीचर नहीं कर सकता था। अब द थिंग इज के अभी चीज में कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक अपनी अपना किताब बन गया, सही, मेरा आगे बच्चों को अरेबिक सिखाने का इरादा है। तो आपको कोई भी काम करने के लिए अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब हम लोग टीचर से अपना स्कूल या अपना इदारा बनाने की बहुत भी एक जरूरत ये भी थी कि आपके पास जब तक अथॉरिटी नहीं होती आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी, देखिए ये तो इंस्टीट्यूट कैपेसिटी हो गई जिसपे हमने काम करना शुरू कर दिया है, अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात करूं तो मैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे लोग स्टॉक मार्केट में काम नहीं करते, या क्योंकि दुनिया भर में बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत सारे लोगों को तो यहाँ पर एक ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट इज जस्ट लाइक अ गैम्बलिंग थिंग, ठीक है। अब द थिंग इज क्योंकि लिटरेसी कम है, लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस कम है, उसका वो काम नहीं करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं बिल्कुल फारिग हूँ, मैं वीडियोस बनाना शुरू कर दी, अपने अल्फा को बच्चों को सिखाई, अब मैं चाह रहा हूँ ऐसे पब्लिक को सिखाना शुरू करूँ। तो हम इंडिविजुअल कैपेसिटी पे उसकी वीडियोस बनाकर कोई भी चीज जो हम सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को उसको यूट्यूब पे पब्लिक कर सकते हैं, सही, वो भी सदका ही जा रही है। बस नीयत का फर्क है कि आप उसको किस नीयत से कर रहे हो काम को। ठीक सर, दैट्स अ गुड आइडिया। और जहां तक बात वही फाइनेंशियल लिटरेसी की है, तो मैंने 2017 में एक पर्सनल फाइनेंस का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया और अभी तक वो चल रहा है, मैं करवाता हूँ, लेकिन इट्स रियली हार्ड टू कन्विंस पाकिस्तानी पीपल कि यार इसकी तुम्हें ज़रूरत है। हालांकि मैं उसके बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लेता, इट्स लाइफ टाइम उसकी फीस 3500 है, लेकिन वो भी पाकिस्तान के लोगों को अच्छा, पहले तो वो पता चले ऑनलाइन है तो वो समझते हैं इट्स ऑनलाइन अर्निंग कोर्स, तो बोलते हैं हम आपकी वीडियोस देखेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है, इन वीडियोस से आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जिनको आप फिर यूटिलाइज कर सकते हैं दैट इन योर पर्सनल लाइफ, कि आप कैसे खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जो है ना वो बनाए। अच्छा सर, थोड़ी सी बात करते हैं इसके, जैसे अल्फा का जो आपने विजन बताया मुझे कि एंटरप्रेन्योर्स बनाने, तो थोड़ी सी उसके ऊपर बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड अदर कॉलेजेस। जो आपने ये बात कही कि हम एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं, हम उनको कॉर्पोरेट माइंडसेट में जॉब सीकर्स नहीं बना रहे, सो आप क्या ऐसी चीजें कर रहे हैं जो जिनसे वो बच्चा निकलकर एंटरप्रेन्योर बनेगा या वो इस माइंडसेट को लेके निकलेगा कि यार मैंने कुछ करना है और मैंने लोगों को भी सपोर्ट करना है और खुद भी कोई बिजनेस खड़ा करना है। जी सर, देखिए होता ये है कि आमतौर पे कोई भी इदारा जो होता है ना वो चाह रहा होता है कि उसके इदारे में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, देखिए ए लेवल्स के अंदर इवेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो इवेंट्स वगैरह में एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, सही, ठीक है, कि वो पूरे इवेंट को सेटअप करना, सब कुछ करना। हम अल्फा में कोशिश करते हैं कि ज्यादातर जो इवेंट्स होते हैं ना वो स्टूडेंट बेस्ड होते हैं,
वो सही पूरा का पूरा इवेंट जो होता है वो स्टूडेंट रन कर रहे होते हैं, उसकी सही मार्केटिंग से लेकर एडवर्टाइजमेंट से लेकर उसको पब्लिक करने तक। उससे सही होता यह है कि स्टूडेंट्स को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है कि सही यार ये सब कैसे हो रहा है, सही मतलब बेसिकली उसको मार्केट कैसे करना है, उसकी टिकट सही कैसे प्रिंट करवानी है, उसके अंदर सही वेंडर्स को कैसे अप्रोच करना है, ये सारा काम बच्चे कर रहे होते हैं। सही है, सही उससे हो ये रहा है कि हो सकता है कि और कॉलेजेस के मुकाबले में कभी कभार हमारे इवेंट्स थोड़े हल्के होते हैं, मतलब अगर सही उनके 10 है तो हमारे 9 या 8 पर भी होते हैं, या कभी 12 पे भी होते हैं, कभी वह बच्चे बहुत अच्छा लेकिन काम वो करते होते हैं। हैं स्टूडेंट तो जैसे। हमारा मकसद ये होता है कि बच्चे को जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, और जो बच्चा सही उससे सीख रहा होता है, तो वो हमारा काम पूरा हो रहा होता है, और हर दफा बच्चा उसमें कुछ नया काम करके आ रहा होता है, और हम लोग को सही आइडियाज मिलते हैं जो बच्चे हमें दिखा रहे होते हैं। सही तो इसीलिए मतलब बेसिकली ये चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ 10-12 इवेंट साल में हो जाते हैं, और इवेंट में भी कुछ 2 हफ्ते लगते हैं जैसे बच्चा पूरा हर चीज एक्सपीरियंस कर रहा होता है। अब होता ये कि उस इवेंट में अगर बच्चों का लॉस हो रहा हो तो अल्फा पे कर देता है, ठीक है, सही फायदा हो रहा हो तो बच्चों की तरफ चले जाते हैं, हम चैरिटी कर देते हैं। तो बच्चों को सही भी अंदाजा हो रहा होता है कि ये सब इवेंट से हम लोग का कोई कमाने का मकसद नहीं है, तो बच्चा सही ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है इवेंट्स में। सही ये बिल्कुल तो यू हैव जबरदस्त। टू लेट गो थिंग्स, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपको चीजें लेट गो करनी पड़ती हैं, कुछ जी चांस जी लेना पड़ता है, समंदर सही में कूदना पड़ता है, ये ऑब्वियसली चीज है। ये बात मेरी अभी उमेर के साथ, उमेर जालियावाला के साथ भी एक लाइव सेशन था, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कह रहे हैं यार हमारे लोग ट्रेनर ट्रेनर्स की बात करते हैं, लेकिन हमने ब्रिटिश काउंसिल से फैसिलिटेशन सीखी है। बोले फैसिलिटेशन में बड़ा बड़ा दिल चाहिए होता है, क्योंकि उधर आप आके किसी को समझा नहीं रहे होते, बल्कि आप लोगों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं, एंड देन आप बिल्कुल पीछे जाके खड़े हो जाते हैं और आप कहते हैं कि देखो, और आप उनको करने देते हैं, और फिर उसमें जो भी आउटकम्स आते हैं वो आउटकम्स बड़े आउट क्लास होते हैं, लेकिन वो लोगों ने डिस्कवर किए होते हैं। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ये जो आपने मुझे बात बताई बहुत ही आउट क्लास है, क्योंकि अगर कोई बच्चा सिर्फ थ्योरी पढ़ ले तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है ना वो कुछ कर सकता है। हाँ, अब अगर एक बच्चे ने पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो ही नोज हाउ टू कॉस्ट दैट इवेंट, हाउ टू डू द मार्केटिंग, हाउ टू सेल्स, और वो हर चीज को जब वो प्रैक्टिकली लेकर चल रहा होगा, तो मेरे ख्याल जो किताबों में पढ़ रहा चीज है वो सब चीजें उसके बिल्कुल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसे महसूस हो जाएगा। ऐसा ही है? बिल्कुल है, जो बहुत जरूरी है आजकल, और उसी के ऊपर देखे ना, हमने अल्फा नाम रखा लीडरशिप के ऊपर, एंटरप्रेन्योर के ऊपर, तो हम उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है हम लोगों के ऊपर एक बर्डन तो होता है कि हमारे ओ लेवल्स के पेपर्स करीब हैं, उसके हिसाब से पढ़ाई करानी है, लेकिन जहां जहां बीच में मौका मिलता है उसमें भी ये सब चीजों पर काम कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं, सही ये वाला तो है। जी जी अच्छा और अगेन जी द सेम जी, आप बात करें, आप बात कंप्लीट करें, नहीं, मैं कह रहा था आप क्योंकि कुछ। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हम लोग 6 डायरेक्टर्स हैं, और हम लोगों ने जी 6 ने जी एक्सक्लूसिवली ये काम किया, तो हमें बहुत सारा टाइम क्योंकि इस पे दे सकते हैं, तो इस चीज में निखार आ गया। अगर हम सिर्फ सही पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वो वाली बात नहीं आती। जी सही ठीक है। अब यही चीज जो आपने मुझे बताई कि एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग की तरफ जो आप लोग लेकर जाते हैं, अगेन मैं आपसे फिर घूम के वही एक सवाल करूंगा जो मैंने तकरीबन सेशन के शुरू में रखा था, कि अगेन हाउ टू कन्विंस अ कन्विंस अ स्टूडेंट कि यार इसके तो अगर तो वो बोर्ड अपेयरिंग स्टूडेंट है तो उसके तो मार्क्स ही नहीं है ना। अब एक बच्चा कहता है भाई मैं नहीं कर पा रहा, या मेरा दिल नहीं चाह रहा इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने का, तो अब क्या हम उसे छोड़ दें या फिर हम उसे कन्विंस करें, तो व्हाट आर द वेज टू कन्विंस देम? यार, बच्चों को देखिए, बच्चों को पार्टिसिपेट करने में देखिए, अब द थिंग इज कि होता क्या है, देखिए हम लोगों ने जब स्टार्ट में अपना स्टार्ट कराया था, चीजें स्टार्ट की थी, तो हमें अंदाजा हुआ था कि बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। फिर सही हमने रिसर्च की तो पता चला कि हम लोग जो चीज कर रहे हैं वो बच्चों के इंटरेस्ट की नहीं है, सही तो हम लोगों ने और डिफरेंट चीजें करना शुरू की, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स करना शुरू किए ताकि हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकें। देखो बच्चों को जब तक बच्चे की पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्वमेंट होना शुरू होगी उससे बहुत फर्क पड़ता है। इनफैक्ट हम लोग ने इस बार ये सोचा था, शायद हंसेंगे हम पे, कि हम बच्चों को मारम पिट्टी और पिट्टू पिट्टू भी सिखाएंगे, क्योंकि बच्चों ने सही खेला ही नहीं, बर्गर बच्चे सारे, बर्फ पानी सही खिलाएंगे इनको, इसका सही इवेंट करेंगे। मतलब बेसिकली हम लोग की कोशिश होती है कि उस चीजों से बच्चों को इन्वॉल्व करना, मिलाने की बात हो रही है, सही ठीक है, सही मतलब ताकि वो चीज कोई भी हो सकती है, मतलब अगर आप इसका भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस बच्चे को इन्वॉल्व करना है आपको, कहीं ना कहीं से बच्चों को लेकर आना है। हमने वो जो पट्टी होती है उसका भी टूर्नामेंट करा दिया था, वो जो फूसबॉल होती है, अगर आपको बताओ जी 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 वो जो तो हमारे आप यहाँ यही है कि हर बच्चे के लोकली हिसाब से। जी, तो वो एक हम भी पट्टी ही ट्रेडिशनल बोलते हैं। सही हाँ पट्टी है, अच्छा और क्या है। हाँ।
अच्छा सर, मैं अब आते थोड़ा सा सवाल, जरा ए लेवल से पीछे की तरफ आते हैं। हमने देखा कि ए लेवल्स के बाद आप लोग फिर ओ लेवल्स की तरफ भी आए, और एस्टर के नाम से आपने एक पूरी स्कूलिंग लॉन्च की। सर उसके उसके कुछ एक्सपीरियंसेस अगर आप उससे शेयर करें, या रीज व्हाट वाज द रीजन एंड व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस। देखिए, हम लोग के पास, देखिए सर अगर बताऊं कि अल्फा के पास इस वक्त एक अल्फा कॉलेज है, वो ए लेवल्स है, ठीक है। सही एक अल्फा हाई स्कूल है जो 9th 10th 11th है, ओ लेवल्स, सही सही है। और एक अल्फा कोर स्कूल है वो जो क्लास 1 से लेके 8 तक है, ठीक है। सही और एक अल्फा गर्ल्स है, वो वही अल्फा का गर्ल्स वर्जन है। और अभी सही हमने एक स्टार्ट किया है, एस्टर के नाम से एक स्कूल स्टार्ट किया है, विथ स्टार्ट फ्रॉम प्ले ग्रुप। अब द सही थिंग इज कि उसमें फिनिश सिस्टम, अब मेरी एक स्टूडेंट है जिसने मास्टर्स किया है LSE से, लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, ठीक है। उसने सही 1 साल अल्फा में जॉब भी की। उसने कहा इसके बाद कि सर मुझे एक मॉन्टेसरी स्टार्ट करनी है, ठीक है, और जिस तरह यहाँ पे काम हो रहा है मुझे वो पसंद नहीं आ रहा। तो उसने सही क्या किया, वो फिनिश सिस्टम सीख कर आ गई, सही है। सही यूरोप की 3 कंट्रीज में जाकर उसने कोर्सेज किए और उस सिस्टम को सही लेकर पाकिस्तान में आई है, ठीक है। और हमने कहा कि यार अगर एक नई चीज है, लेट्स गिव इट अ शॉट। तो हम सही लोग वहां पर, जिस तरह पूरी दुनिया में मॉन्टेसरी चलती है, जिस तरह फिनिश सिस्टम दुनिया में रूल कर रहा है, उस सिस्टम से स्टार्ट कराया है हमने एस्टर स्कूल। सही तो बहुत डिफरेंट सिस्टम है कि बच्चे की प्ले बेस्ड लर्निंग है, और मेरे खुद बच्चा वहां पढ़ता है, तो उसमें एक 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 अलग तरीके काम हो रहा है। जिस तरह होता ये कि हमारे पास बहुत जल्दी एज में बच्चों को लिखाने वगैरह पे लगा दिया जाता है, तो वहां सही पर इस तरह का नहीं है। बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से हम चीजों को सिखा रहे हैं, तो सही उससे बहुत ज्यादा एडवांटेज आ रहा है। और पेरेंट्स ने स्टार्ट में उनको थोड़ा डिफरेंट लगाया सिस्टम, ठीक है, कि क्लासरूम के अंदर डोर्स नहीं है, कनेक्टेड क्लासेस हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स को ये बात रियलाइज हो रही है कि बच्चों के अंदर बड़ा बहुत फर्क आ रहा है। सही तो दैट्स हाउ इट इज। सही ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम है, असल में मेरा बेटा 4.5 साल का है, एंड आई एम डूइंग होम स्कूलिंग फॉर हिम। सो ऐसा हुआ कि अच्छा पहले मैंने 6 महीने का कोर्स किया ERDC से, फिर मेरी वाइफ को करवाया मैंने, और अब अभी अभी फ़िलहाल तो हमारा इरादा है कि उसको 7-8 साल तक हम बिल्कुल फ्री छोड़ दें, जो उसकी नेचुरल ग्रोथ का टाइम है। क्योंकि मैंने एक बहुत बड़े अल्लाह वाले से सुना था कि भाई अल्लाह ने 7 साल की उम्र में नमाज़ पढ़ाने का कहा, तो उससे पहले आप उस पर बोझ ना डालें, फ्री रखें। हाँ, बुक्स ला के बुक्स अवेलेबल कर दें, चीज़ें अवेलेबल कर दें, बट आप उसे मेंटली फ्री रखें। उसे ये ना हो कि भाई मेरा इम्तिहान होगा और मुझे जो है ना वो परफॉर्म करना है। तो ये थोड़ा सा हमारा स्कूलिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसा था। अच्छा सर, मैं चाहूँगा अब हम थोड़ी सी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अगर बात करते हैं। आपने ये कॉलेज स्टार्ट लिया, मैं चाहूँगा इस ये एक ज़बरदस्त राइड होगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सिर्फ आप ऊपर नहीं गए होंगे, बल्कि देर विल बी देर देर मस्ट बी कि कहीं अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। तो आप चूंकि मकसद ही आप हजार का ये है कि भाई लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बनाना है, सो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, और लोगों को, आम लोगों को, अभी तो आपके पास सिर्फ वो ए लेवल्स के बच्चे नहीं है, ये तो सब लोग देख रहे हैं ना, कोई भी देख रहा होगा ये। सो उनको क्या मैसेज देते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसमें किन चीजों का ख्याल रखना है, और आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे, देखिए, मैं बिल्कुल सच बात चाहे वो करूंगा, काशान एकेडमी को लेके या अल्फा को। ठीक है। देखिए, जी जी मैं बताऊं कि देखो, इंसान पूरी नहीं सीख रहा होता है। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने सही मुझे कहा था कि सर, इंसान के लिए काम करने का सबसे अच्छा वक्त या रिस्क लेने का सबसे अच्छा वक्त 30 और 40 के बीच में होता है, ठीक है। क्योंकि सही उस वक्त वो अपने लाइक काम में सेटल भी हुआ हुआ होता है, और उसके अंदर इतनी एनर्जी भी होती है, वो आगे काम कर सकता है, ठीक है। सही तो वो बात मुझे बड़ी हिट हुई थी कि मुझे 30 और 40 के बीच में कोई काम करना है। और मेरी स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि बिटवीन सही 30 एंड 40 यू शुड वर्क फॉर योर ओन सेल्फ। पहले तो सही आप अपने आप को सपोर्ट करने के लिए बेस बनाते हो। तो देखिए, मैं तो अपने सही पर्सनली, मेरे ख्याल से इंसान को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, देखिए सबसे बड़ी बात है, सबसे जो बुरी आदत है ना, वो ये है कि इंसान को नौकरी की आदत लग जाए। अगर एक सही इंसान को दुनिया फिसिकम का की सबसे आदत बड़ा लग नशा जाए है, ना, सबसे बुरा ये नशा है दुनिया ये, का ठीक है। सबसे बड़ा तो नशा है जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन करती है। बिल्कुल, अब द थिंग इज कि जब मैं अपने ए लेवल्स के पीक पर था, 4 स्कूल्स में पढ़ा रहा था, ठीक है ना, तो पॉइंट सिर्फ इतना सा था कि मैं सुबह के 7-8 बैचेस पढ़ा रहा था और एक अच्छी माकूल इनकम कमा रहा था। तो मेरे अतराफ में जितने लोग हैं,
वो सारे के सारे जो है वो बिजनेस ओनर्स है, ठीक है, मतलब सही मेरे जो सराउंडिंग में सबके पास कोई, किसी पर 50 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं, और वो मुझे बार बार एक ही चीज से पिन करते थे, काशान तू लेबर वर्क कर रहा है, तू लेबर कर रहा है, मजदूरी कर सही रहा है, तू जब तक खड़ा है तू काम कर रहा है, जिस दिन तू बैठेगा तेरे पास कोई काम नहीं है, सही है। सही तो वो जो बार बार आपके जो दोस्त हैं वो आपको जो पिन करते हैं उससे बड़ा फर्क पड़ता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपकी सराउंडिंग बहुत मैटर करती है, आप जैसे सही लोगों में उठते बैठते हो, सही, आप जैसे लोगों में उठते बैठते हो उससे उससे आपके बाद अंदर फर्क आ रहा होता है। हजरत अली का कॉल है उसका कुछ मफहूम इस तरह से है कि आपको किसी को पहचानना है तो उसकी गैदरिंग निकलो किसमें बैठते हैं। तो सही सबसे पहले आपकी सराउंडिंग मैटर करती है, आप कितने लोगों में बैठते हो। अगर आपके अतराफ में सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं तो आप भी एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, और आपके सही सारे अतराफ में लोग जो जॉब कर रहे हैं या जॉबलेस वेले लोग हैं, तो पहली चीज तो ये है कि अपनी सराउंडिंग को चेंज किया जाए। अगर आपकी सही सराउंडिंग चेंज होगी तो आप ऊपर आ सकते हो, ये तो स्टेप वन है, ठीक है। इसके स्टेप टू जो एंटरप्रेन्योर के लिए जो बात है वो ये है कि इंसान वो ख्वाब जो जागते हुए देखता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसको वो लगता है वो खुद काम कर सकता है, वो काम करना चाहिए, ना कि आपके जो कजन कर रहा है या पड़ोसी जो काम कर रहा है वो काम शुरू कर दो। क्योंकि अगर आपने अपने किसी को देख के कोई काम किया है तो वो काम में आप कभी कामयाब नहीं होंगे। देखिए, जब हमने अल्फा स्टार्ट किया था तो हम लोग ने ये चीज पिछले 10 साल से पहले अपने अल्फा लिमिटेड के नाम के क्वेश्चंस बना रहा था, ठीक है। तो ये मेरा 5 साल 10 साल का ख्वाब था जो मैंने पूरा किया, और इसके बेसिस पे हमने अल्फा कॉलेज को स्टार्ट किया। और मेरे जो सराउंडिंग, मेरे जो दोस्त लोग थे जिन्होंने अल्फा अपने कॉलेज स्टार्ट किए, उनका ख्वाब 4 महीने पहले स्टार्ट हुआ था कि अल्फा स्टार्ट हुआ, एमबी स्टार्ट करते हैं। सही तो क्योंकि काफी लोग जिन्होंने उस चीज को कॉपी करने की कोशिश की थी, उनका अपना भी विजन नहीं था, ठीक है, तो बेसिकली वो इतने कामयाब नहीं हो पाए जितना हो सकते थे। तो बेसिकली आप अपने विजन को, अपने फोकस को और काम करेंगे तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतरी है उसमें। सही सर, आपके लिए एक एप्रिसिएशन है असफर भाई से, द लैब स्कूल के जो ओनर हैं सर सर असफर, उनकी तरफ से। हैव यू सीन दैट? आप देखिए, असफर भाई की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कैसे आउट ऑफ द बॉक्स काम किया है, आउट सही ऑफ है। द वो बॉक्स उनको पता है कि उनके तो बस बेसिकली यही है कि ऐसे ही लोग हैं जो कुछ लाइफ में काम करके रहते हैं कि यार आप जब रात को सोते हो आपको सुकून हो कि मैंने कुछ अपनी जिंदगी में हासिल किया है। यस, वो बहुत और मैटर करता है कि आपको नो नींद वन कैन कैसी आती कॉपी है। दैट, नो वन कैन कॉपी दैट दैट लैब स्कूल। या अगर कोई करना भी चाहे तो वो उस पैशन से नहीं कर पाएगा, वो बीच में छोड़ के चला जाएगा, या उसकी वो कोई बिल्कुल सेकेंड और थर्ड कॉपी बना सके शायद, लेकिन ओरिजिनल को वो कभी भी बीट नहीं कर सकेगा ऐसे। आप इनका आईबी ग्रेड्स भी देख लो कि इनका आईबी ग्रेड भी इसी तरह का है कि उनका सिस्टम में दे आर वेरी रिजिड अबाउट इट कि अगर बच्चों ने छुट्टी की तो हम निकाल देंगे, ठीक है, हम सही उस पे चल रहे हैं। और क्योंकि उनके प्रिंसिपल सीधे हैं कि लड़के लड़कियों को अलग पढ़ाना है, वो पढ़ा रहे हैं, अल्लाह ताला ने उसको उनको रास्ता निकाल के दिया, तो आप कोई भी काम कर सकते हो। ऐसा नहीं होता आप बोलो कि काम नहीं हो सकता, और ये सही असफर भाई आपके सामने पूरी मिसाल है। सही अच्छा काशन भाई, हमारे साथ सर जुनेद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे, खैरियत है? आज सर काशान को हमने इनवाइट किया था, मैं तो सर जुनेद ने भी हमें थोड़ी देर के लिए ज्वाइन किया। जी सर, अच्छा, आपका सोनिंग भाषण कैसे खैरियत से? अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। काशान, आपको आवाज आ रही है मेरी? मिनट जी, उमेर भाई, जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? काशान, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं, तो आवाज नहीं आ रही। सर जुनेद, आप कुछ बिल्कुल कहिएगा। आपकी आवाज आ रही है, मुझे आपकी आवाज तो आ रही है। मैं नहीं, काशान भाई से क्वेश्चन करना है आपको आपको। मेरी आवाज आ रही है? जी जी अब जी आ रही है। काशान, आपको आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, फाइन। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चल रहा है, कैम्ब्रिज एंड कराची बोर्ड। कैम्ब्रिज एंड कराची बोर्ड वेर वी ना छाट छाट के लेकर आते हैं। अच्छा, इसमें कैम्ब्रिज और कराची बोर्ड में भाई आप लोग नोटिस करते होंगे, काशान तो इसी फील्ड में है, मैं भी इसी फील्ड से हूँ, मैं भी देख ही रहे हैं, एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन नहीं नजर आता आपको? जो हमारा कराची बोर्ड का बच्चा है उसको जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं टीचर कैम्ब्रिज बोर्ड के बच्चे के मुकाबले में, ओवरऑल हर प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मैं दोनों सिस्टम देख रहा हूँ, तो मैंने ऐसा नोटिस किया है और ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो हमारा आमतौर पे मैट्रिक सिस्टम का, एसएससी का या एचएससी का बच्चा है, और उसको अगर आप ले लें या अगर आप ओ ए लेवल्स के बच्चे को ले लें, तो बच्चों बच्चों में भी आपस में सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मौजूद है।
और टीचरों का जो ट्रीटमेंट का लेवल है उन बच्चों को, वो भी अलग अलग किस्म का है। तो बच्चों की हद तक तो चले हमें समझ में आ सकता है कि वो बच्चे हैं, लेकिन टीचर ऐसा क्यों करते हैं कि वो कैम्ब्रिज और एलेवेस के बच्चे को सुपीरियर ट्रीट कर रहे हैं और कराची बोर्ड या एसएससी एचएससी को इंपीरियर ट्रीट कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक बात थी जो मुझे रखनी थी आप दोनों के सामने। देखिए, मैं आपसे एक छोटी सी बात में ऐड करूंगा कि अल्फा कॉलेज के अंदर हम बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आगा खान बोर्ड से मैट्रिक करके अल्फा कॉलेज में आते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे बच्चे हमारे पास इंटरव्यूज दे रहे होते हैं जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ होता है, वो ए लेवल्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चा आउट परफॉर्म कर रहा है तो हम लोग उसको हमेशा ऑप्शन देते हैं कि ए लेवल्स की तरफ आ सके, और इनफैक्ट उसकी इंडिविजुअल थोड़ी क्लासेस भी कराते हैं ताकि वो कोप अप कर पाए। तो हमारी तरफ तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और ए लेवल्स का या इंटर का बच्चा आगे की जाके पढ़ता है वहां पे हम लोग नहीं है। मुझे पता है डिस्क्रिमिनेशन होती है, मेरे बच्चों से सुना है, और मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। असल में काशान, मैं जो पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ ना, मेरी जो बात है वो ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पार्ट पे ऐसा हो रहा होगा, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं भी कर रहे हैं, वो बड़ा जबरदस्त सिस्टम चला रहे हैं, वो दोनों बच्चों को साइड बाय साइड लेके चल रहे हैं, दोनों को मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन मैं मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे इदारों को भी जानता हूँ, ऐसे टीचर्स को भी जानता हूँ, जो स्टेट अवे जो है ना, वो कराची बोर्ड के बच्चे को कैम्ब्रिज के बच्चे के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं, यानी बहुत ज्यादा उसको इंफीरियर ट्रीट करते हैं। तो ये बेसिकली मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो ग्रास रूट लेवल पे एसएससी और एचएससी है तो हमारा पाकिस्तान का सिस्टम ना, कैम्ब्रिज बहुत अच्छा सिस्टम जरूर है लेकिन वो हमारा सिस्टम नहीं है। असल में देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, देखें होता पता है क्या, मैं आपको अपने एग्जांपल से एग्जांपल देता हूं। देखें, मैं अपने पास ए लेवल मैथ पढ़ाता हूं, ठीक है, और जब मैं ए लेवल मैथ पढ़ाता हूं तो कुछ बच्चों ने एडिशनल मैथ पढ़ा हुआ होता है, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ होता। जाहिर है जिन बच्चों ने एडिशनल मैथ पढ़ा हुआ होता है वो बहुत सुपीरियर होते हैं। तो मेरी एक इतनी प्रैक्टिस है कि जब भी मैं बच्चों से उनका रिजल्ट पूछता हूँ पहले दिन, तो मैं ये पूछता नहीं कि किसने एडवांस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जब मैं यही नहीं पूछता कि किसने एडवांस पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो मैं डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकता, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सबने सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो मैं इतना ग्रास रूट लेवल से पढ़ाने जाता हूँ बच्चों को। तो अगर यही चीज है कि टीचर्स पूछना ही छोड़ दें कि आपका बैकग्राउंड क्या है, और वो अज्यूम कर ले कि सब बच्चे मैट्रिक करके आए हैं, उसी ग्रास रूट से बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। होता है कि जो बच्चा, जो बच्चा आप सवाल पूछो ही नहीं कि इसमें से मैट्रिक का कौन, भाई एक बच्चा यहाँ पर आ गया है आपके पास, दैट मींस केपेबल था, वो यहाँ पहुंच सकता था। अब आपका काम है उसको जो बच्चे का सबसे बेस है वहां से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अगर ओ लेवल्स की बेस थोड़ी बेहतर है तो आप उतना ऊपर से जाना ये हक नहीं है। हक ये है कि जो बच्चा दोनों में नीचे है आप उसका सा बेस बनाओ और वहां से पढ़ाना शुरू करो, तो वो आपका काम है जो आपको सही करना चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब मैं तो सवाल ही नहीं पूछता ना बच्चों से कि एडमिट किसने किया हुआ है, ताकि मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात ही ना है। हाँ, इसमें मैं आपको बताऊं, मैंने तो ये भी देखा, आप यकीन करें कि एक क्लास है उसमें 20 बच्चे 20 बच्चों का एडमिशन हुआ है, उसमें 4-6 बच्चे हमारे मैट्रिक सिस्टम वाले एसएससी वाले हैं और कुछ बच्चे हमारे ओ लेवल से आए हैं। तो टीचर ने उनसे कहा, पूछा कि भाई आप में से आप बैकग्राउंड बताएं, तो बच्चों ने कहा सर हमने ओ लेवल किया है, बच्चे ने कहा सर मैंने मैट्रिक किया है। उसने कैटेगरी बना दी क्लास में कि ये कैटेगरी तो बिल्कुल ही अलग है और वो कैटेगरी तो बिल्कुल ही अलग है। तो यार आप फिर उस बच्चे को क्या मैसेज दे रहे हैं जो बेचारा मैट्रिक सिस्टम में पढ़ गया? मैसेज नहीं दे रहे बेसिकली, ये फिर अपने टीचर के अंदर अपनी कमियां हैं वो जो, और ऐसा चूंकि प्रैक्टिकली हो रहा है और हम देख भी रहे हैं इसके अंदर अपनी कोई प्रॉब्लम्स है। बहरहाल ओवरऑल मैं जो है ना वो बड़ा अप्रिशिएट करूंगा आपका, जो अल्फा कॉलेज है वो काफी अच्छा काम कर रहा है, और आपके लिए बहुत नेक ख्वाहिशात हैं, अल्लाह आपको तरक्की दे और कामयाब करे। जज़ाकअल्लाह सर जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इट्स अ पर्सनल थिंग, कि अगर कोई टीचर ऐसा कर भी रहा है तो वो मेरे ख्याल उस टीचर का अपना पर्सनल फेल है। और आपकी ये वाली बात को भी मैं सेकंड करता हूँ कि ऑब्वियसली ये जो डिफरेंस हमें नज़र आता है वो फिर नज़र आता है यूनिवर्सिटी लेवल पे, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि मैट्रिक का बच्चा ए लेवल करे, बल्कि मेरे ख्याल ऑप्शन है भी नहीं सर, या है ये ऑप्शन सर? ऑप्शन बिल्कुल अवेलेबल है, आप मैट्रिक के बाद ए लेवल्स कर सकते हो। हमारे पास बहुत सारे आगा खान बोर्ड का बच्चा ए लेवल्स में आ रहा है अल्फा में, सही। लेकिन अल्फा की जो पहली बच्ची जो हेडल थी ना वो मैट्रिक करके आई थी भाई, मैं आपके सामने अच्छा, अल्फा की जो पहली हेड गर्ल थी ना उसने मैट्रिक करके ए लेवल्स किया था, अभी वो आईबी में बैठी हुई है। सही, तो ऐसा है भाई, ऐसा है। अच्छा, ये इट वाज ऑल, देयर वाज नथिंग पर्सनल, लेकिन चूंकि ये
लोग जैसे सर जुनेद को भी फील हुआ होगा, दैट्स व्हाई उन्होंने ये क्वेश्चन रखा आपके सामने। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बस थोड़ी सी गपशप थी, बेरब सी गपशप थी, बहुत मजा आया आपसे बात करके भाई। कोई हमने स्ट्रक्चर हाँ नहीं बस किया, बस यही है, मेरे सहन में था बहुत मजा आया बात करके आपसे भाई। ठीक कि एक है, ओपन अगला ओपन आप एंड। बुलाएं मुझे भाई, ठीक है, मैं अरे स्टार्टिंग तो नहीं नहीं हूँ, सर, अरे ठीक नहीं है सर, आप सर। तो आपने इतना जबरदस्त, असल में हम लोग सब इंस्पायर थे अल्फा अल्फा के वे ऑफ डूइंग वर्क पे, तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाह रहा था। जैसे आपने माशाल्लाह बताया भी कि वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है और मुख्तलिफ एक्टिविटीज को लेकर, और उसका विजन आपने क्लियर कर दिया कि वी वॉन्ट टू मेक एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज 9 to 5 का कल्चर एंड होने को है, गिग इकोनॉमी इज द नेक्स्ट बिग थिंग, लोग फ्रीलांसर्स होंगे, छोटे छोटे गिग्स बनाएंगे और टास्क बेस्ड इंशाल्लाह इकोनॉमी आने वाली है। सर बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपके टाइम का, अल्लाह ने मौका दिया तो फिर कभी आपको जो है ना दोबारा जहमत देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वंस वंस एक बार ये लॉकडाउन खत्म होता है इंशाल्लाह अल्फा भी विजिट करो यार, ठीक है, खुश रहो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं चाहूंगा सर कि ठीक आप है। जाते जाते कोई एक जनरल मैसेज सबको दे दें, चाहे वो टीचर्स देख रहे हैं, चाहे वो इंटर का बच्चा देख रहा है, या चाहे वो ओ लेवल्स का बच्चा देख रहा है, या पूरा पाकिस्तान में जो भी देख रहा है, व्हाट एवर द लास्ट मैसेज यू वांट टू गिव। देखिए भाई, मेरी अभी थोड़ी बात बोलूंगा, वो ये है कि मेरे हिसाब से अगर आप अपने माँ बाप की खिदमत करते हो ना और अपने माँ बाप की दुआ लेते हो, तो आपके लिए जिंदगी में कोई भी चीज मुश्किल नहीं आती है। तो मैंने अपनी लाइफ में दो बेसिक रूल्स बनाए हैं, पहला अपने माँ बाप की दुआ लो, क्योंकि उनसे जो आपको चीज मिली है वो कहीं नहीं मिल सकती। दूसरा, दूसरी चीज है, आप पूरी काम में जितना भी हो सके इंटरेस्ट बेस्ड काम ना करो, आपके काम में पैसे में बरकत होगी। सही, ये बहुत दो बहुत बेसिक बातें जिंदगी की भाई, ठीक बिल्कुल सर, है। मुझे मुझे आज आपसे बात करने का जो 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 मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये कि आप बड़ी प्रिसाइज बात करते हैं, जैसे कोई शायर या बड़ा राइटर होता है ना, जो चंद लफ्जों में बात को प्रिसाइज अपनी बात मुकम्मल कर लेता है, वरना मैं उमूमन 4-5 क्वेश्चन, बल्कि 4-5 भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, 3 सवालों में 1 घंटा निकल जाता है, क्योंकि हम लोग लंबी डिस्कशन एक ही टॉपिक पे कर रहे होते हैं, लेकिन आपने इतने प्रिसाइज आंसर्स दिए कि मैं परेशान था कि आप सवाल कौन सा लाऊं सर के सामने, सर हर सवाल का यार बहुत ही प्रिसाइज आंसर मेरा इतनी दे। नॉलेज वॉलेज नहीं, थोड़ी सी बात करना आती है बस, अल्लाह खैर करे। नहीं ठीक इसमें ये तो है, मार्क ट्वेन ने कहा था ना कि आई हैड अ लेस टाइम, दैट्स व्हाई आई आई रोट यू अ बिग लेटर, क्योंकि मेरे पास एक शॉर्ट लेटर लिखने का टाइम नहीं था, क्योंकि शॉर्ट बात करने वाले के लिए तो यानी शायर बनता कब है, शायर के पास दिल की कमी थोड़ी होती है, तभी तो वो शॉर्ट एंड प्रिसाइज बात करने वाला बनता है। वंस अगेन सर बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे साथ सर काशान, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ अल्फा कॉलेज, और मैं आप थैंक सबको यू भी सर, दावत दूंगा एटलीस्ट जाके अल्फा कॉलेज के पेज पे जाके कुछ उनका कॉन्टेंट देखें, चैनल्स पे कुछ कॉन्टेंट देखें, एंड मस्ट पे अ विजिट, एटलीस्ट एक विजिट तो करके ठीक देखें सर, कि क्या चीज बनाई है इन्होंने, इन हजरात ने, एक आउट क्लास सिस्टम सही ना, जो जो बच्चों के एजुकेशन के लिए। अगेन सर बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर कभी थैंक मुलाकात यू, होगी, थैंक यू सो अस्सलाम मच फॉर वालेकुम इनवाइटिंग मी सर, ठीक है, इट्स ऑनर्ड, ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम।